एवरीवन, मेरा नाम प्रीति तिवारी है। प्रीति तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी बन हेयर स्टाइल, जो कि साड़ी पे बहुत ही प्यारा लगने वाला है। तो बन के साथ कुछ डिफरेंट भी हो सकता है, तो आई डोंट नो। मैं बस अब स्टार्ट करने वाली हूँ और क्या क्या बनाने वाली हूँ हेयर स्टाइल में, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि नोटिफिकेशन, जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे शो होने लग जाएगा, तो आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। और इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी, जिसपे मैं अमेजिंग सिलाई से रिलेटेड कटिंग, स्टिचिंग, छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती हैं, पाइपिंग कैसे लगाते हैं गले में, अगर बाजू में कपड़ा कम पड़ जाए तो कैसे ज्वाइंट करने से, डिजाइनर ड्रेसेस, हर टाइप की वीडियो आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है मेरी वाला हेयर स्टाइल बीच मांग से करूँगी, तो मिडिल पार्टिंग कर देंगे पहले बालों की। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बालों पर नस भी आ जा रहा है, तो बीच से मांग से इसे निकाल देंगे। उसके बाद आपको एक ब्लैक रबर बैंड चाहिए होगा इस हेयर स्टाइल के लिए, और फिर कॉम करेंगे बालों में। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप इसको कर लोगे ये हेयर स्टाइल। तो इस तरीके से आपको बालों में कॉम करके सारे बालों को एक साथ ले लेना है और रबर लगा लेना है। इसके बाद से बालों को इस तरीके से रबर बैंड को खींचना है और इतना हेयर आपको छोड़ देना है। जो आपके नीचे के हेयर बचे हुए हैं उनको आपको ये जो होल है इनके अंदर से इंसर्ट करते हुए ऐसे निकालना है। ओके, और जो आपका रबर बैंड है उसके चारों तरफ लपेट के रबर बैंड को अच्छे से हाइड करते हुए एक बॉबी क्लिप की मदद से इसको सेट कर लेना है। ओके, और ये आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया। आप चाहोगे इसको ऐसे फैला के यहाँ पे यू पिन भी लगा सकते हो, तुम्हें लगा नहीं देती हूँ साथ साथ में, और वैसे भी ऐसे भी छोड़ सकते हो। जैसे आपका फर्स्ट हेयर स्टाइल हो जाएगा, सेकेंड के लिए आप इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फैलाओगे और यू पिन से यहाँ पे ऐसे सेट कर लेना दोनों साइड से। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया। आप थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए, बालों में वॉल्यूम लाने के लिए यहाँ से हल्का हल्का बालों को खींच लीजिए। ओके, तो इसे एक ही में दो हेयर स्टाइल होंगे हमारे, और साइड से आप चाहो तो लेयर्स भी निकाल सकते हो अपने फेस के अकॉर्डिंग, जैसे आपके फेस पे यूज करता हूँ। तो चलते हैं थर्ड हेयर स्टाइल की तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत इजी क्विक हेयर स्टाइल है ये, क्विक बन हेयर स्टाइल है। थर्ड हेयर स्टाइल में आपको सिंपली एक पोनी बनानी है और पोनी को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है और इसको टाइटली ट्विस्ट करना है। ओके, एंड तक पूरा ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद इसको टाइटली ही लूज नहीं करना है, इस तरीके से रबर के चारों तरफ लपेट देना है और यू पिन से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे लगे कि आपका रबर बैंड दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड कर दीजिए और एक यू पिन और लेके अच्छे से रबर बैंड के अंदर रबर बैंड को हाइड कर देना है। और ये हमारा थर्ड हेयर स्टाइल हो गया। यहाँ से ऊपर से बालों को खींचना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इससे अच्छा सा वॉल्यूम आ जाता है और आपका लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल सा बन भी आपका स्टाइल भी सीख लगता है, इजी क्विक स्टाइल बन हेयर स्टाइल है। फोर्थ हेयर स्टाइल में भी आपको सिंपली अपने जो आपकी पोनी बनाई है उसको टू पार्ट में डिवाइड करना है और वन पार्ट को अगेन टू पार्ट में डिवाइड करना है और उसको ट्विस्ट करना है। इस बार का ट्विस्टिंग थोड़ा सा लूज होगा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है।
तरीके से ट्विस्ट करने के बाद से जो इसका एंड है उसको पकड़ के जो आपने रबड़ लगाया हुआ है उसके अंदर से ही इस तरीके से इंसर्ट करके छोड़ देंगे। फिर जो आपका सेकंड वाला पार्ट है इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करेंगे और इसको भी ट्विस्ट करेंगे। एंड तक ट्विस्ट करेंगे। इसके भी एंड को रबड़ बैंड के अंदर से इंसर्ट करेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसको ट्विस्ट करना है एक बार इस तरीके से। छोटा सा जो इसका जो ये बॉल है ये छोटा बच गया, इसके बाद इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इन करना है, फिर से ट्विस्ट करना है और फिर से इन करके और ये बन के बन आपका खूबसूरत सा बन रेडी हो जाएगा और यू पिन से इसको सेट कर देना। तो ये वाला है भी बहुत इजी और आप पार्टी वार्टी में भी कर सकते हो, बहुत इजी आप ये बन बना सकते हो। तो ये हो गया हमारा पांचवा हेयर स्टाइल। तो आई होप कि आप लोगों को सारे हेयर स्टाइल पसंद आए हो और सबसे अच्छा कौन सा लगा जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस तरीके से करने के बाद से आपको सारे हेयर स्टाइल में सारे हेयर स्टाइल मैंने बीच मांग के बताया, बीच मांग मांग के लिए फाइव लो वन इजी हेयर स्टाइल है। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरीके की बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक सा आसान सा हेयर स्टाइल आप लोगों का शेयर करते रहूँ। तो आज के लिए